आपने मिसाल सुनी तो होगी अपनी इज्जत अपने हाथ। अरे आपने तो हमें इस काबिल नहीं समझा, किसी गिनती में ही नहीं रखा। अहम मौके पे हमें अपने रिश्तेदारों के सामने शर्मिंदा करा दिया आपने। हमें पहले बता देते आपके दिल में खोट। और एक बात याद रखिएगा, वो ये कि निकाह भी हुआ नहीं है। तुम दोस्त हो ना रूफी के, हैं दोस्त तो भाइयों की तरह होते, तो ऐसे वक्त पे तुम्हें साथ देना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है तुम तो साहिबे हैसियत हो, तुम्हारे पास किसी चीज की कमी तो है नहीं। तुम क्यों नहीं ऐसा करते कि 30 लाख का चेक नासिर के नाम लिख दो। लड़के वालों ने 30 लाख रुपए की डिमांड की है, अगर अभी नहीं उनको ये पैसे मिलते तो वो बारात लेके वापस चले जाएंगे। 30 लाख इसी वक्त? अपने हवासों में हो तुम पाइस? मामा मैं बिल्कुल होश हो हवासों में हूँ। मामा एक सफेद पोल घर, इज्जतदार घराना इस वक्त बहुत तल्ख वक्त से गुजर रहा है। मैं यहाँ अपना बेटा ब्याहने आई हूँ, आपके मामला सुलझाने नहीं आई। और हस्बे मंशा पजीर आई ना मिली तो बारात दुल्हन के बगैर भी वापस जा सकती है। क्या 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 कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? सुनो करे दुर्दाना बहन। ठीक कहा आपने। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हम सा कोई जिया ना होगा। की लड़की, छोटी गलियों में रहने वाली, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है। मेरे भाई ने उसे अपने घर में लाके उसको इज्जत दी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, अरे मेरी बेटी की बराबरी की। तुम्हारा कितना ख्याल किया, लेकिन तुम्हें तो इज्जत राजी नहीं है। इस घर से दफा हो जाओ। अब मामू जान को सर्दखाने में क्यों रखवा रहे? वो भी एक रिश्तेदार की खातिर आप उनको अज़ियत दे रहे। तुम्हारा मामला नहीं है इसमें, मत बोलो। जानती हूँ ये मेरा मामला नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि एक मुर्दा जिस्म को 2 दिन के लिए सर्दखाने में रखवा कर सिर्फ एक नजर की ज़ियारत का शौक मामू जान को कितनी तकलीफ देगा। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अफनान रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहे? हाँ वहां छोड़े ना ये बात। सब हो जाएगा, चलाए नाश्ता करते। प्लीज़ है, तुम ये बात इतने इत्मीनान से कैसे कह सकती हो? इसलिए क्योंकि मैंने अफनान की आंखों में रमशा के लिए नफरत और गुस्सा देखा है। याद करो दरवेश खान, हमने तुमको बोला था माशाल्लाह दुश्मनी का कोई मजहब नहीं होता। हमको जवाब नहीं दिया और खुद शादी बना रहा है। यार दरवेश खान को शादी का तोहफा तो दियो। ऐसा तोहफा देगा कि ये क्या पूरा गांव याद रखेगा। ओ ओ ढोलक मास्टर बैठो मड़ा, अब हमारा साथ संगत करो। हमारा जिंदगी का एक उसूल है। सही है कि गलत है हमको नहीं मालूम, दुख हो या खुशी हो हम अपना दोस्त को और दुश्मन को अकेला नहीं छोड़ते। हमाद क्या सोच रहा होगा तुम्हारी फैमिली के बारे में? तुम्हें हमाद के सोचने की फिक्र और मेरा कोई ख्याल नहीं, जिसे तुम बताए बगैर चले गई। एटलीस्ट तो मुझे अपने साथ लेके जा सकती थी मन्नत, क्या मैं इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे उस हमाद साहब के साथ बाहर जा सकूं? तो क्या करेंगी,
फिर भी तो सब कुछ हाथ से निकलना ही है ना। ये बात भूल जाएं कि आप ममता की कसम देके खड़े खड़े मन्नत को तलाक दिलवा देंगे। और ये जमाना पुराना हो गया पप्पू जी, आप ना मन्नत को मजबूर करो कि वो खुद घर छोड़ के चली जाए। लेकिन ध्यान से, मुराद को इस बात की कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। क्या हो? अम्मी की आंखों में आंसू क्यों? क्योंकि वो तुम्हें दिखाना चाहती हैं। मैं भी अभी अपनी आंखों में आंसू लेकर आऊं तुम्हें दिखाने के लिए? माफी मांगो मेरी अम्मी और बाजी से अभी और इसी वक्त। मैं इनसे माफी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मैंने इन्हें सिर्फ ये सलमान, तुम जानते हो इस अरोज ने तुम्हारी माँ को पागल कह के मुखातिब किया है। मैं अपनी उरूज को जानती हूँ। याद नहीं आपको, मेरे सर में भी दर्द हो जाता था तो सारी रात मेरे सिनाने खड़ी रहती थी, और अब मैं बेहोश हो गई, अस्पताल से होके आ गई और मेरी उरूज बेटी मुझसे मिलने नहीं आई। लेकिन बेटा, मुझे फिक्र ये है कि तुम्हारे चेहरे पे ये दुख, ये उदासी क्यों है? आखिर असल मसला क्या है? छोड़ दें ताई जान, इस मसले का कोई हल नहीं है। ये तो अब मेरा मुकद्दर बन चुका है। तुम फिर से मुश्किल बातें करना शुरू हो गई। चलो उठो, मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी की तरफ ड्रॉप कर देता हूँ। माँ से ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। मुझे देख लो, मेरी माँ मुझसे कितने सख्त लहजे में बात करती, मैं फिर भी नाराज नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। चलो कहीं नहीं जाना मुझे, प्लीज अकेला छोड़ दो। तेरे हवाले दिल कर दिया है मेरी आशिकी को तू।